हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, आज हम लेसन फाइव पढ़ेंगे जो है वचन। आई होप आपने वचन के बारे में पहले पढ़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले जानते हैं वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। इसका अर्थ है जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। स्टूडेंट्स वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन होते हैं जिसमें हम एक वस्तु के बारे में ज्ञान करते हैं, जैसे शब्द के जिस रूप से किसी एक या वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, पुस्तक, अलमारी, छात्रा आदि। यहाँ आपको सिर्फ एक ही वस्तुओं के बारे में पता चलेगा, जैसे कुर्सी सिर्फ एक वस्तु है। उसके बाद है बहुवचन। बहुवचन होते हैं शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कुर्सियाँ, मेजें, पुस्तकें। तो यहाँ एक से अनेक ये वस्तुएं दी हुई हैं, जैसे कुर्सियाँ, तो बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, तो ये बहुवचन हो गया। पेज नंबर 28 पर हमें कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एक वचन से, जिनको हमने बहुवचन में निर्मित किया है। जैसे देखिए, कमरा कमरे, कपड़ा कपड़े। इसी प्रकार आपको ये सारे एग्जाम्पल्स रीड करने हैं जो कि आपको एक वचन से बहुवचन में बदलने का ज्ञान कराएंगे। तो हमने इस चैप्टर में वचन के बारे में पढ़ा, वचन क्या होते हैं और वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के दो भेद होते हैं। ओके, आपको ये चैप्टर रीड करना है।